ना। और इस वाले प्रोजेक्शन को हम कौन सा प्रोजेक्शन बोलेंगे, ये जो प्रोजेक्शन लाइन आ रही है जिस पे ये अल्फा एंगल बन रहा है, ऑब्लिक क्यू, हाँ ऑब्लिक क्यू। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में यहाँ नोट्स में देखिए साफ साफ कह रहा है ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें दो एंगल्स लेने पड़ते हैं, एक अल्फा है और एक फाई है। अल्फा एंगल क्या है, अल्फा एंगल ये बताता है कि प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन स्क्रीन के साथ कितना एंगल बना रही है। अल्फा एंगल जो है वो ये बताता है कि प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन स्क्रीन पे कितना एंगल बना रही है। ठीक है, और फाई एंगल जो है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन से बनने वाली लाइन प्रोजेक्शन प्लेन के हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रही है। बात समझिएगा, ये जो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में जो अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की लाइन और ऑब्लिक्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को मिला के बनने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होता है अल्फा। ठीक है, और जो फाई एंगल बन रहा है, ये फाई एंगल का मतलब ये होता है कि ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन से बनने वाली लाइन जो है प्रोजेक्शन प्लेन के हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रही है। तो दो एंगल की जरूरत पड़ती है इस ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में, एक होता है अल्फा और एक होता है फाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर अल्फा और फाई, अच्छा मेन हमारा मेन मोटो क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमें गिवन है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, पापा कार्टून देखेंगे, अभी हम लेक्चर ले लें तब देखेंगे। ठीक है, बात नहीं पापा। नहीं, तो ये जो 3D स्पेस में जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ये तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इस पॉइंट को 3D स्पेस में डिफाइन करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ले रहे हैं। जब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे तो आफ्टर प्रोजेक्शन इस पॉइंट का, इस जो 3D ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का आफ्टर प्रोजेक्शन क्या कोऑर्डिनेट होगा, वो नया कोऑर्डिनेट यानी एक्स पी वाई पी फाइंड आउट करना है, यानी ये एक्स पी कॉमा वाई पी फाइंड आउट करना है। इसके पहले जब ऑर्थोग्राफिक पढ़ते थे उसमें क्या होता था, जो एक्स पी वाई पी की वैल्यू होती थी वो सेम वैल्यू होती थी जो 3D ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते थे। ये सबको पता है? हाँ सर, यस सर। जब ये यस सर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेते थे तो आफ्टर ऑर्थोग्राफिक में आफ्टर प्रोजेक्शन जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते थे वो 3D ऑब्जेक्ट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही होते थे। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में क्या है कि जो प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं किसी स्पेसिफिक एंगल पे ले रहे हैं। ठीक है, जब स्पेसिफिक एंगल पे लेंगे तो इस केस में जो आफ्टर प्रोजेक्शन जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स पी वाई पी वो एक्स और वाई के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ये कुछ और वैल्यू देंगे। ठीक है, तो हमें ये एक्स पी और ये वाई पी, यही दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इन्हीं वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसका यूज करके हम प्रोजेक्शन से पहले दिए हुए कोऑर्डिनेट को यूज करके आफ्टर प्रोजेक्शन नए कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सके। तो ओवरऑल हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ अभी डेरिवेशन करने में, कि हम एक्स पी और वाई पी को इवेलुएट कर सके। ठीक है, तो एक्स पी और वाई पी को इवेलुएट करने के लिए यहाँ पे देखिए कह रहा है द ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम एक्स वाई जेड टू एक्स पी वाई पी, जो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन लाइन है, यानी इस प्रोजेक्शन लाइन की बात कर रहा है। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम एक्स वाई जेड कॉमा एक्स पी वाई पी, यानी ये इस लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम एक्स वाई जेड टू एक्स पी वाई पी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द लाइन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन दैट जॉइंस एक्स पी वाई पी एंड एक्स वाई। ये जो लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन जो है वो इस वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमारा कितना है, अल्फा है। ये एंगल हमारा अल्फा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दिस लाइन ऑफ लेंथ एल इज एट एंगल फाई विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन द प्रोजेक्शन प्लेन। और ये कह रहा है कि जो लाइन गिवन है, ये वाली लाइन जो एक्सपी कॉमन वाई पी और एक्स कॉमन वाई से मिलके बन रही है, यानी ये लाइन, इस लाइन का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है।
यानी x कॉमा y और xp yp के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल L से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कैपिटल L से। और अब हमें अब कह रहा है वी कैन एक्सप्रेस द प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x y L एंड phi, यानी जो प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट xp yp है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है x y L और phi के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं xp निकालने की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि आप xp की वैल्यू कैलकुलेट करिए, xp मींस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं इस x एक्सिस पे, ठीक है, तो xp xp की जो डिस्टेंस होगी, xp क्या होगा हमारा, ये डिस्टेंस होगा xp, दिस वन, ये इतना डिस्टेंस xp होगा, होगा ना? यस सर, ठीक है। तो xp को निकालने के लिए हम cos phi का टर्म यूज करें तो निकाल सकते हैं, थर्ड ईयर, अगर मुझे xp को इवेलुएट करना है, ठीक है, xp को अगर इवेलुएट करना है तो xp के लिए हमें cos phi का टर्म यूज करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा हमें ओवरऑल निकालना क्या है, देखो हमें ये वाली हमें जो है ये डिस्टेंस xp की वैल्यू जो है वो xp की वैल्यू क्या होगी, इस ओरिजिन से, इस वाले ओरिजिन से ये इतना डिस्टेंस, इस ओरिजिन से ये इतना डिस्टेंस होगा ना xp, और ये xp किसके इक्विवेलेंट होगा, यहां तक का पॉइंट तो हमारा x है, यहां तक का जो पॉइंट है ये x है, x के बाद ये वाला एडिशनल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ये वाला एडिशनल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसी एडिशनल डिस्टेंस को निकालने के लिए हम अगर cos phi का टर्म यूज करें और ये वाली लेंथ अगर L है, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ अगर ये वाली लेंथ L है तो ये हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, L into cos phi होगी ये वाला टर्म, यानी L into cos phi, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, एक मिनट बेटा, हमें इस प्रोजेक्शन स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट x पता है, ठीक है, यानी हमें ये यहां तक की डिस्टेंस पता है, ओरिजिन से हमें यहां तक की डिस्टेंस पता है, इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो है हमारी x है, क्या है, x है, ठीक है, यहां से हमें ये वाली यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी हमें जो है ये इतना डिस्टेंस अभी और निकालना है, ये इतना डिस्टेंस निकालने के लिए यानी हमें निकालना है xp इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए हमने ग्रीन कलर में x लिखा हुआ है जो कि x y वाले पॉइंट को परपेंडिकुलर अगर x एक्सिस पे डालें तो जो पॉइंट बनेगा वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी xp इक्वल टू हो जाएगा हमारा xp इक्वल टू x प्लस में क्या आएगा, ये वाली डिस्टेंस, देखिए जो मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और इसके पहले का डिस्टेंस x दिया हुआ है तो xp जो होगा वो x प्लस दिस डिस्टेंस, आ रहा है समझ में, थर्ड ईयर, तो ये डिस्टेंस जो होगा इसको हम L cos phi लिख सकते हैं, L cos phi लिख सकते हैं, थर्ड ईयर रिप्लाई करो, तुम लोग का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऐसे मैं कैसे बता पाऊंगा तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड ईयर सर एक बार फिर से समझाइए, अच्छा है,
मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्थोग्राफिक, अगर मान लो मैं अभी यहाँ मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इस 3D ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट का अगर प्रोजेक्शन लेता हूं, अगर वो प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो xp इक्वल टू x होगा और yp इक्वल टू y होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बेसिकली वो प्रोजेक्शन हमारा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन है, और ये आप जानते हैं कि ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन किसी स्पेसिफिक एंगल अल्फा पे प्रोजेक्शन स्क्रीन पे जा रहा है। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन किसी स्पेसिफिक एंगल अल्फा पे प्रोजेक्शन लाइन पे जा रहा है, यानी इस केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि xp इक्वल टू x एंड yp इक्वल टू y। तो xp की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें x की x कोऑर्डिनेट में, देखिए xp का मतलब हुआ, हमने xp कॉमा yp पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, यही xp होगा, होगा ना xp, बोलो बेटा, होगा ना। और x कॉमा y से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट होगा हमारा x। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, हमें इस ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करनी है। तो ओरिजिन से ये वाली पूरी डिस्टेंस जो है, ये वाली पूरी डिस्टेंस ओरिजिन से, ये तो हो गई हमारी एक्स पी, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन, यानी जो हरी वाली परपेंडिकुलर लाइन हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, ये तो हो गया हमारा एक्स, ठीक है। हमें एक्सपी निकालना है, और ये एक्सपी की कुछ पोर्शन एक्स हमें पता है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। इस पोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये पोर्शन इक्वलेंट टू दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि x कॉमा वाई और xp कॉमा yp से बनने वाली लाइन की जो लेंथ है वो कैपिटल L है, यानी आपको कर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है इसका, ठीक है, कर्ण दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ है। तो cos phi का टर्म और L का टर्म यूज करके आप ये बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। तो ये जो बेस आएगा, ये बेस क्या होगा, ये बेस होगा L cos phi, L cos phi ये होगा, L into cos phi, यस सर, ठीक है, L into cos phi। तो ये जो L into cos phi आया, ये तो इतना, यही सिर्फ ये इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहां से लेके यहां तक के बस, ठीक है। हमें क्या चाहिए, xp, xp क्या है, ये इतना डिस्टेंस प्लस ये x का डिस्टेंस, इसीलिए yes, हम लिखेंगे xp इक्वल टू x प्लस l cos phi, प्लस l cos phi, यही इस नोट्स में कह रहा है। देखिए इसका पूरा लेंथ हो जाएगा सर वो, हाँ वो पूरा लेंथ हो जाएगा। तो जो xp है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का x कोऑर्डिनेट प्लस ये एडिशनल डिस्टेंस l cos phi, ये ओवरऑल मिल करके, ये ओवरऑल मिल करके हमारा xp बनेगा। तो xp इक्वल टू क्या हो गया, l cos x प्लस l cos phi, और yp इक्वल टू y प्लस l cos phi sin phi, यहां पर sorry, वो x yp equal to y plus l sin phi, ठीक है। ये दोनों टर्म क्लियर हो रहा है सबको, yes sir, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको यूज करके एक मैट्रिक्स बनाऊं, मैट्रिक्स लाइक दिस, ऐसा एक मैट्रिक्स बनाऊं कि मैं x y z कोऑर्डिनेट्स को सीधे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं और xp और yp हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x और y वाले टर्म में 1 रखेंगे और z वाले टर्म में sin phi और cos phi का टर्म रखेंगे, जैसे कि यहां पे हमने निकाला ना xp equal to x plus l cos phi और yp equal to y plus l sin phi, ठीक है। अच्छा, ये नीचे के टर्म पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, बेसिकली है क्या,
यहाँ पे देखिए tan phi इक्वल टू लिया है इसने z अपॉन l, ये सबको समझ में आ रहा है tan alpha, tan alpha इक्वल टू z अपॉन l कैसे होगा, tan alpha tan alpha इक्वल टू tan alpha इक्वल टू सॉरी tan phi था tan alpha था, एक मिनट रुक जाओ, tan alpha इक्वल टू z अपॉन l, l क्या है ये और z क्या है ये डिस्टेंस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी z है और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी l है, तो tan alpha क्या हो जाएगा z अपॉन l हो जाएगा। हाँ यस सर, ठीक है, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा z अपॉन tan alpha हो जाएगा। यस सर, ठीक है, देखो हम बेसिकली जब हमने l इक्वल टू z अपॉन tan alpha लिखा तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन में l cos phi का टर्म आया हुआ है उस l cos phi को हम z alpha से रिप्लेस कर दे रहे हैं, l cos phi को सॉरी l l cos जो xp इक्वल टू x l cos phi आया है यहाँ पे इस l वाले टर्म को हम z l1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसी 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को यूज करके तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट में, तो उस 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में x भी है y भी है z भी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने l को z l1 के फॉर्म में लिख लिया, तो ये जो इक्वेशन था xp इक्वल टू x प्लस l cos phi उसको हम इस तरह लिख सकते हैं xp इक्वल टू x प्लस z l1 cos phi, l की जगह z l1 लिख दो ना, लिख सकते हैं। यस यस सर, ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया xp इक्वल टू x प्लस z l1 cos phi और yp इक्वल टू y प्लस z l1 sin phi। अब एक चीज बता, जो 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है उस 3D ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट ये x वाला, z कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट पता है हम लोगों को, पता है ना, और साथ ही साथ yes, हमें ये tan l1 निकालने के लिए हमें tan alpha भी है हमारे पास और cos phi की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम xp और yp निकाल सकते हैं। ठीक है, तो xp और yp को हम आसानी से निकाल सकें, इसीलिए हम इस xp और yp को एक होमोजीनियस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं जिसको हम प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, xp इक्वल टू x प्लस z l1 cos phi, कहने का मतलब ये, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स वाई जेड एंड वन, ये 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, आपको निकालना क्या है आफ्टर प्रोजेक्शन एक्स एंड वाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा सिर्फ एक्स वाई वन एंड वन। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई जब इस एक्स वाई जेड वन को आप इस मैट्रिक्स से 4x4 मैट्रिक्स के पहले वाले रो के रो पे रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा प्लस जेड एल वन कॉस फाई, यानी x प्लस जेड एल वन कॉस फाई आ रहा है, किसकी वैल्यू, सॉरी ये x डैश है, सॉरी ये xp होगा, xp एंड ये yp, तो आपका xp इक्वल टू क्या आ गया, xp इक्वल टू x प्लस जेड एल वन कॉस फाई, xp इक्वल टू x प्लस जेड एल वन कॉस फाई, ये क्या आया xp इक्वल टू x प्लस जेड एल वन कॉस फाई, मतलब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके
फोर क्रॉस फोर की एक होमोजीनियस मैट्रिक्स बना दी, जैसे हम रोटेशन की मैट्रिक्स बनाते हैं, स्केलिंग की मैट्रिक्स बनाते हैं, वैसे स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाते हैं, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, वैसे ही प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स हमने बनाई है। हमने ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दी है। अब हमें अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन लेना है और आफ्टर प्रोजेक्शन उसके प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट xp और yp फाइंड आउट करने, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे इस मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड में रखना है और मल्टीप्लाई करना है और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूबॉइड है, एक क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट है, तो उस क्यूब में 8 पॉइंट होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 क्रॉस 8 की एक मैट्रिक्स लिखनी है, 4 क्रॉस 8 की एक मैट्रिक्स लिखनी है जो कि इस मैट्रिक्स के राइट साइड में होगी, और उन दोनों मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर प्रोजेक्शन जो मैट्रिक्स मिलेगी, वो एक स्क्वायर शेप को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो हमें उसके यहाँ पे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो फाइनली ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा है कि एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑब्टेंड व्हेन L1 इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स आपकी आई है, जिस मैट्रिक्स में सारे टर्म 0 और 1 के हैं, सिर्फ दो टर्म L1 cos phi और L1 sin phi है, इस मैट्रिक्स में अगर हम L1 इक्वल टू 0 रख दें तो ये मैट्रिक्स जिसको हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। चेक कर लीजिए एक बार करके, L1 की जगह 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, L cos phi भी 0 हो जाएगा और L1 sin phi भी 0 हो जाएगा। तो इस पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ देखिए फर्स्ट रो का पहला वैल्यू 1 है और सेकेंड रो का दूसरा वैल्यू 1 है, यानी जब हम किसी 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को जब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट वही होंगे जो उस 3D ऑब्जेक्ट के हैं। एवं माइक ऑन कर लो सभी लोग, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, माइक ऑन करो। मैंने अभी तक जितना बताया वो सब क्लियर हुआ आपको? यस सर, क्लियर हो गया सभी को? यस सर, यस सर। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स आपने निकाली है, जो स्क्रीन पे आपको मैट्रिक्स दिख रही है, ये मैट्रिक्स आपकी ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बस L1 इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि जब L1 इक्वल टू 0 करेंगे इसका मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है इस प्रोजेक्शन में, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो एक्स कॉमा वाई और एक्सपी कॉमा वाईपी की जो डिस्टेंस है क्या होगी, दोनों एक दूसरे पे आ जाएगी, तो ये L1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो ओवरऑल इस मैट्रिक्स में L1 cos phi और L1 sin phi का टर्म भी 0 हो जाएगा। यानी आफ्टर मैट्रिक्स जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स का, जो वैल्यू जाएगी वो सेम वैल्यू होगी एक्स और वाई की, जो कि 3D ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं इसी में, जैसा कि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि जो प्रोजेक्शन के टाइप होते हैं उस प्रोजेक्शन में ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन जो है, ये ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन जो है इस क्लासिफिकेशन में देखिए, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, कैबिनेट और कैवलियर। तो कैबिनेट प्रोजेक्शन और कैवलियर प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, हम इन प्रोजेक्शन को डिफाइन करेंगे अल्फा और थीटा के बेसिस पे। यानी ये कह रहा है इन कॉमन चॉइस फॉर एंगल फाई आर थीटा एंड 45। अगर फाई नॉर्मली जो हम लेते हैं वो ज्यादातर हम या तो 30 डिग्री लेते हैं तो 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है। वी डिस्प्ले अ कॉम्बिनेशन व्यू ऑफ फ्रॉम साइड व्यू टॉप व्यू किसी व्यू के लिए टू कॉमनली यूज्ड वैल्यू फॉर अल्फा, और अल्फा के लिए हम दो कौन कौन सी वैल्यू लेते हैं, अल्फा की ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसपे टेन अल्फा 1 हो और टेन अल्फा 2 हो। यानी अगर मैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन की बात करूं तो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में हम दो एंगल यूज करते हैं अल्फा और फाई, ज्यादातर केसेस में कह लें या हर केस में कह लें जो फाई एंगल होता है वो हम 30 और या तो 30 लेते हैं या तो 45 लेते हैं, और जो अल्फा एंगल होता है वो इस तरह से लेते हैं कि टेन अल्फा की वैल्यू 1 हो और टेन अल्फा की वैल्यू 2 हो। तो इन वैल्यूज में से हम कोई वैल्यूज चूज करते हैं
और डिफाइन करते हैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को, तो इस अल्फा फाई एंगल के बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि वो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन कैवलियर प्रोजेक्शन है या कैबिनेट प्रोजेक्शन है। यानी अगर हम टेन अल्फा इक्वल टू वन रखते हैं अपने प्रोजेक्शन में, टेन अल्फा, अल्फा का मतलब दिस एंगल, अल्फा का मतलब जो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन की प्रोजेक्शन लाइन है वो एक्स कॉमा वाई और एक्स पी वाई से कितना एंगल बना रही है। यानी टेन अल्फा अगर वन रखते हैं, टेन अल्फा अगर हम वन रखते हैं तो ऐसे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को हम कैवेलियर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर टेन अल्फा इक्वल टू टू रखते हैं तो ऐसे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को हम कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलते हैं। इन दोनों प्रोजेक्शन में अगर टेन अल्फा इक्वल टू वन ले रहे हैं तो इस टेन अल्फा इक्वल टू वन केस में हम फाई या तो 30 ले ले या तो 45 ले ले, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सेम केस टेन अल्फा इक्वल टू अगर 2 है जिसको हम कैबिनेट प्रोजेक्शन बोल रहे हैं तो इस केस में भी हम फाई इक्वल टू या तो 30 ले ले या तो 45 ले ले, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफाइन किया हुआ है कि जो 45 एंगल है, जो ये आपका फाइव वाला एंगल है, फाइव वाला एंगल जो 45 है, 45 एंगल कैसे बना रहे हैं। यहाँ अगर फिगर में आप ध्यान से देखें, फाइव एंगल कुछ इस तरह से है, तो उस फाइव एंगल को यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए एक्स 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 डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ, देखिए एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है फाइव, एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये हो गया हमारा 45। तो ये 45 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पे फाई एंगल दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइव इक्वल टू 45 है, केस में फाइव इक्वल टू 30 है। तो इस तरह से फाइव की वैल्यू हम या तो 30 ले लें या 45 ले लें, लेकिन इस 30 45 की फाइव की वैल्यू के लिए वो प्रोजेक्शन या तो हमारा कैवेलियर होगा या कैबिनेट होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने जो टेन का, ये जो टेन अल्फा ले रखा हुआ है, जो टेन अल्फा ले रखा हुआ है, ये टेन अल्फा में अल्फा इस तरह से होगी, टेन अल्फा की वैल्यू वन हो तो वो कैवेलियर प्रोजेक्शन होगा, और अल्फा की वैल्यू कुछ इस तरह से हो, टेन अल्फा इक्वल टू टू हो जाए तो उसको हम कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन? सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो, एक ही आदमी बोलता है, बाकी सब लोग चुपचाप रहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्शन हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अच्छा, स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल प्रोजेक्शन और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अच्छा, एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, अभी जो आपने ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन पढ़ा, हाँ माइक ऑन कर लो सभी लोग, एक बार सभी लोग माइक ऑन कर लो। लिया, अभी आपने ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन पढ़ा ना, इस ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है या नहीं होती है? ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है या नहीं होती है? सर श्योर होती है। ठीक, और प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? नहीं। वेरी गुड। तो अब जो हम, अब माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। तो जो प्रोजेक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, और दूसरी चीज वो प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर भी नहीं होती। कॉमन सी बात है, पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर भी नहीं होगी। ये दो चीजें क्लियर है सबके? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर नहीं होती है, और वो सारी प्रोजेक्शन लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं होती है। उसी चीज को देखिए, कह रहा है टू ऑब्टेन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स अलोंग प्रोजेक्शन लाइंस दैट मीट एट अ प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट।
तो अगर किसी सपोज कर यहाँ पे जो लाइन है, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, इस फिगर में देखिए जो आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो 3D स्पेस में है, जिसको यहाँ पे एक लाइन से डिनोट किया गया, ये दिस वन एक लाइन दिख रहा होगा आपको, इस ये लाइन जो है लाइन कह ले या ये कह ले कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D स्पेस में रखा हुआ है, हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है। जब प्रोजेक्शन लेंगे तो कॉमन सी बात है, इसके हर एक पॉइंट से, हर एक बिंदु से प्रोजेक्शन लाइन चलेगी। जैसे कि यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन चल रही है और इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन चल रही है, लेकिन दोनों प्रोजेक्शन लाइन बेटा देखिए एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, जिस पॉइंट पे जाके मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। देखिए लिखा हुआ है प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब अगर हमें गिवन पॉइंट एक्स वाई जेड को यूज करके, गिवन पॉइंट एक्स वाई जेड को यूज करके जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, एक मिनट, अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन होंगे एक्स वाई एंड जेड। ये जो प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट है, इस प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे जेड, सॉरी एक्स पी आर पी, एक्स पी आर पी, पी आर पी मीन्स पी आर पी प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट, वाई पी आर पी और जेड पी आर पी, अंडरस्टूड समझ लीजिए, एक्स पी आर पी, वाई पी आर पी और जेड पी आर पी, ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, ठीक है। तो अब याद करिए, मैंने आपको यूनिट थर्ड के स्टार्टिंग में ही लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है।